टॉपिक है, दैट इज पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और तीसरी बात ये कि हम लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते और कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये हमारे पास टारगेट्स हैं, जिन टारगेट्स को हम लोग जो है वो मद्देनज़र रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज़ POCT। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग जो है ये ऐसी टेस्टिंग है कि जिसमें हमें रिजल्ट अगर मिनट्स के अंदर चाहिए हो, यानी कि विद इन मिनट्स हमें अगर रिजल्ट चाहिए हो, तो हम फिर ये टेस्टिंग करते हैं। यही नहीं कि अगर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि या तो रिजल्ट्स जल्दी चाहिए होते हैं, या कोई ऐसी थेरेपी चल रही होती है, या कोई सर्जरी चल रही होती है, तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं कि जिनके रिजल्ट्स हमें चाहिए होते हैं कि हमें जल्दी क्विक मिले ताकि हम उसके मुताबिक अपना डिसीजन कर सकें। ओके, तो क्या होता है, ये ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें हम विद इन मिनट्स जो है वो अपना टेस्ट परफॉर्म करवा लेते हैं, और टेस्ट परफॉर्म करवाने के बाद हम जो है वो रिजल्ट्स भी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट टेस्टिंग वी व्हेन द रिजल्ट इज रिक्वायर्ड विद इन 5 to 10 मिनट्स, दिस इज पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। ओके, अब पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग जो है ये कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ये परफॉर्म की जाती है कि आप चाहे घर में बैठे हुए हैं वहाँ पे कर सकते हैं, आप अगर वार्ड्स में हैं तो वार्ड में ही आप ये टेस्ट कर लें, और या अगर जो है वो आप किसी भी शॉप पे हैं वहाँ पे कर लें, कोई भी क्लिनिकल वार्ड है, क्लिनिकल केयर है, कोई भी क्लिनिकल शॉप है, किसी भी जगह पर हम लोग जो है वो कर सकते हैं, या जितने भी ये कलेक्शन सेंटर्स हैं लैब्स के, कलेक्शन सेंटर्स में कर सकते हैं। यानी कि ये टेस्टिंग ऐसी है, लेबोरेटरी टेस्टिंग, कि हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम अपना सैंपल जो है वो सेंड कर सकें कहाँ पे, टेस्ट लेबोरेटरी लैब्स के अंदर या लेबोरेटरीज के अंदर। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम अपने सैंपल्स को लेबोरेटरीज के अंदर सेंड कर सकें। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेबोरेटरीज में सेंड करने की बजाय हम घर बैठे ही या किसी भी जगह पर क्लिनिकल केयर सेंटर्स पर बैठे ही हम अपना ये टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग जो है ये हमें ये एडवांटेज देता है कि हम अपने रिजल्ट्स बड़ी जल्दी हासिल कर लेते हैं, और जब रिजल्ट्स जल्दी हासिल हो जाते हैं तो फिर जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करना आसान और जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, व्हाट इज इट? द प्रोविजन ऑफ अ टेस्ट एट द पॉइंट इन टाइम एट विच द रिजल्ट विल बी यूज्ड टू मेक अ डिसीजन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विच विल रिजल्ट इन एन इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम। ये नहीं कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग ये है कि हम चाह रहे हैं कि टेस्ट जो है वो जल्दी परफॉर्म हो, रिजल्ट सामने जल्दी आए, हम उस रिजल्ट के मुताबिक डिसीजन करें, और फिर जो है जब डिसीजंस हो और वो हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद साबित हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पेशेंट क्वेश्चन है, और पेशेंट क्वेश्चन जो है आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, टेस्ट परफॉर्म करवाने के बाद डिसीजन होता है, और साथ ही हम आउटकम एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि एक छोटी सी पिक्चर ये जाहिर कर रही है कि आपको टेस्ट करवाने और डिसीजन लेने में इतना टाइम रिक्वायर नहीं होता, और आमतौर पर जब हम टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट में हमारे पास ये होता है कि हमारे एक दिन रिक्वायर होता है, 4 घंटे रिक्वायर होते हैं, 6 होते हैं, 24 घंटे रिक्वायर होते हैं, तो इतनी देर तक आप कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी बेटा, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग परफॉर्म करना और उनके रिजल्ट्स हासिल करना हमारे लिए कितना फिजिबल है, पेशेंट के लिए भी कितना फिजिबल है, और कोई भी डिसीजन मेकर है, चाहे वो आपका डॉक्टर हो, पैथोलॉजिस्ट हो, सर्जन हो, उसे उसी वक्त डिसीजन करना आसान हो जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट करवा सकता है।
पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, जैसे हमें पता है कि हमें ब्लड चाहिए होता है, बॉडी फ्लूइड्स चाहिए होते हैं पेशेंट के लिए, फिर हम जो है वो लैब्स में सेंड करते हैं सैंपल्स को और फिर उनकी टेस्टिंग होती है। जबकि पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में क्या होगा कि उसी वक्त जैसे ही सैंपल लेते हैं, कोई भी नर्सिंग स्टाफ, कोई भी डॉक्टर जो है वो एंसिलरी टेस्टिंग डिपार्टमेंट के अंडर जो है वो उसी वक्त टेस्ट को परफॉर्म करवा सकता है। दूसरी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में है होम टेस्टिंग है, रिमोट टेस्टिंग है और फिजिशियन ऑफिस टेस्टिंग है। होम टेस्टिंग यानी कि पेशेंट खुद घर बैठे ही टेस्ट कर सकता है अपना, और रिमोट टेस्टिंग में रोबोटिक्स यूज किए जाते हैं। फिजिशियन ऑफिस टेस्टिंग यानी कि आप किसी न किसी फिजिशियन के पास जाएं, उसके ऑफिस में जाएं, जस्ट लाइक क्लिनिक्स हैं तो वहाँ पर वो जब टेस्ट परफॉर्म करवाता है, दैट इज फिजिशियन ऑफिस टेस्टिंग। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज नियर पेशेंट, दैट इज बेड साइड, फिजिशियंस ऑफिस एंड एक्स्ट्रा लेबोरेटरी। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म ही क्यों हम करते हैं। क्वालिटी कंसर्न्स है, यानी कि हमें एक तो क्विक रिजल्ट चाहिए, दूसरा क्वालिटी का रिजल्ट चाहिए, तीसरा हमें कॉस्ट कम से कम हो उसकी। मैं ना एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, फिर उस एग्जांपल को ही हम लोग आगे लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी शुगर टेस्ट करवाते हो, अब शुगर टेस्ट के लिए आपके पास घर में जो है वो ग्लूकोमीटर मौजूद होता है, आप घर बैठे वो कर सकते हैं। अब इसी से ही अगर हम शुगर HbA1c करवाएं लैब के अंदर, तो आप वो देख सकते हैं कि HbA1c जो है वो आपको कॉस्टली भी पड़ेगा, आपको रिजल्ट भी अगले दिन जाके रिसीव होगा लैब से, बनिस्बत उसके ये कि आप डेली बेसिस पे वो भी कर सकते हो, यानी कि डेली बेसिस पे आप शुगर ग्लूकोमीटर के जरिए से चेक कर सकते हो। दूसरी बात, HbA1c अगर ना भी करवाए, हम फास्टिंग करवा लें, फास्टिंग ग्लूकोज फास्टिंग टेस्ट करवा लें या रैंडम टेस्ट करवा लें, तो उसमें भी आपको उसी वक्त किसी भी लैब वाला उसी वक्त आपको टेस्ट का रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो और आपको वो महंगा भी पड़ेगा एज कम्पेयर टू कि आप घर बैठे जो है वो ग्लूकोमीटर के जरिए से आप शुगर को चेक कर लें। नेक्स्ट ये कि पेशेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, मुख्य डिजीज़ को हम जज कर सकते हैं, हमारे पास एविडेंसेस होते हैं कि भाई ये हमने घर बैठे किया। आप इसी तरह अगर आप घर बैठे वो कर रहे हैं, दोबारा बाद में आप लैब में जाके वो टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, तो आप कंपेरेटिवली चेक भी कर सकते हैं और आप दिखा भी सकते हैं कि नहीं, हमने घर बैठे या किसी और फिजिशियन के पास मैंने पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ये टेस्ट परफॉर्म करवाया है और ये रिजल्ट्स हैं, आपके रिजल्ट्स क्यों ख़राब आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, यानी कि आप कंपैरेटिवली चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? न्यू टेक्नोलॉजी है और हेल्थ इकोनॉमिक है। नेक्स्ट अगर देखें, ये सारी चीज़ें ट्रांसमिट रिजल्ट्स, रिपोर्ट करना, वैलिडेट है, रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल्स, ये इंटरप्रिटेशन सारी की सारी उसी चीज़ की है जो कि परफॉर्मिंग की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग कहाँ पे की जा सकती है। घर पे आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे फार्मेसी में की जा सकती है, हेल्थ सेंटर पे पैरामेडिकल व्हीकल है, वहाँ पे इमरजेंसी रूम्स हैं, ऑपरेटिंग रूम्स हैं, आउट पेशेंट क्लिनिकल वार्ड्स हैं, वहाँ पे इन जगहों पे की जा सकती है। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस जो हैं स्मार्ट क्या करते हैं, हमारे पास अगर तो सैंपल स्मॉल अमाउंट में है तो उन स्मॉल अमाउंट में ही सैंपल को यूटिलाइज करते हुए पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस अपने रिजल्ट्स शो कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। यानी कि हमें इतना ब्लड लेने की और इतना यानी कि प्रिकिंग का डर नहीं होता, तो हम इजीली जो है वो स्मॉल सैंपल से, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल से ही हम जो है वो अपने रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं।
हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ब्लड गैस एनालाइज, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रेगनेंसी के, कार्डियक के और इन्फेक्शियस डिजीज़ के हम रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं थ्रू पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। ये चीज़ें हमने पहले देख ली हैं और यहाँ पर देखें क्लिनिकल आउटकम्स, इम्प्रूविंग ऑन डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी, डिसकम्फर्ट एंड डिससेटिस्फेक्शन, ये 5 Ds कहलाते हैं। यानी कि हम अब थ्रू पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग हम इन 5 Ds को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें रिजल्ट जो है वो जल्दी मिल जाता है और इसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाती है। हम कोई भी दरमियान में कॉम्प्लिकेशंस हो, कोई कॉम्प्लियंस हो, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रोडक्शंस हमारे पास जल्दी हासिल हो जाती है, पेशेंट भी सेटिस्फाई रहता है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ग्लूकोज मीटर है, यूरिन एनालिसिस करना हो, ब्लड गैसेस, कोगुलेशन स्टडीज हैं, HbA1c, कार्डियक बायोमार्कर्स। अब ये टेस्ट हैं। तो ये डिफरेंट और टेस्ट दिखाए हमने, आप लोगों की ये असाइनमेंट है, पी ओ सी टी डिवाइसेस नेम आपने मुझे सेंड करने हैं। सर, क्या असाइनमेंट दिया आपने? ओके पी ओ सी टी डिवाइसेस नेम। सर, ओके सर। इसमें से कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं।